नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू गॉड दैट यू विल बी गुड, ग्लेड एंड हेल्दी एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर समय में अगर किसी काम के पूर्ण या पूरा होने की बात की जाए, उस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत काउंट करेंगे। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, पहचान की। कहता है कि जिस कार्य का पूरा होना पाया जाए, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुके होंगे, ऐसे वर्ड्स आपको लास्ट में सेंटेंस के हिंदी के मिलेंगे और ये इसकी पहचान बनेगी। सो ये बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, स्वीकारात्मक वाक्यों की। सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होंगे, हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, वैसे तो हमारा परफेक्ट यही तक हो जाता है, लेकिन दूसरी क्लोज अगर आ जाती है तो वो क्लोज भले ही पहचान उसकी गागी गे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और ये इस टेंस की सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। सीक्वेंस ऑफ द टेंस हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था, सो वही कंडीशन सीक्वेंस ऑफ द टेंस की ही बात यहां एप्लीकेबल है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेकंड क्लोज जो होगी वो गागी गे होने के बावजूद प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर, वैसे तो आई और वी के लिए शैल आता है और अदर्स सब्जेक्ट के लिए विल आता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा अतिरिक्त दबाव है आपके सब्जेक्ट पर, जैसे अवश्य, बिल्कुल, पक्का और अनिवार्य जैसे शब्द अगर आ जाते हैं, तो आई और वी के लिए हम लोग विल यूज करेंगे और अदर्स के लिए हम लोग शैल यूज करेंगे। ये हमेशा फ्यूचर में कभी भी किसी भी पार्ट में, फ्यूचर में ये दोनों बातें एप्लीकेबल है। साधारण जनरली आप लोग आई और वी के लिए शैल लगाएंगे, बाकी के लिए विल लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ेगा, अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, यानी कि ऐसे शब्दों से पता चलेगा हमें कि सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो हम लोग उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा ये बात। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, तो चलते हैं। उसके आने से पहले पिताजी चाय पी चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर बात फ्यूचर परफेक्ट की करूं तो सेंटेंस हमारा ये बनता है, पिताजी चाय पी चुके होंगे। इसमें आपकी पहचान भी है, वर्ब भी है, और ये काम फ्यूचर में होने वाले कार्य के पूरा होने की बात कर रहा है। सो ये दूसरी क्लोज जो है, उसके उसका आना, ये हमारी दूसरी वर्ब जो है, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। याद रखें, इसमें एक क्लोज वाला सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में आता है तो हम लोग इस क्लोज को जो पहले है हमारी, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट करके इधर बना देंगे। आइए चलते हैं। फादर विल हैव टेकन टी बिफोर उसके आने की, उसके ही कम्स। नोटिस करें, यहां वर्ब में एस या ईएस लगा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा देंगे, अगर यहां प्लूरल होता तो आप उसे ऐसे ही बार वर्ब छोड़ देते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि अगर ये वर्ब सिंगुलर है तो एस या ईएस आ जाएगा, प्लूरल है तो इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, पिताजी चाय पी चुके होंगे, तो हमारा ये यही तक हो जाता कि फादर विल हैव टेकन टी। So, अगर इसमें हम लोग देखेंगे, अगर इसमें अवश्य आ जाता, क्या आ जाता? अवश्य। कैसे? उसके आने से पहले पिताजी चाय अवश्य पी चुके होंगे।
सो ये एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता, और इसे हमें जरूर समझना चाहिए, फादर शैल हैव टेकन टी बिफोर ही कम्स। सो आप देख रहे हैं फादर के लिए यहां विल की जगह सेल आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहां अवश्य हमने लिया था, हमने कर दिया था, उसके आने से पहले पिताजी चाय अवश्य पी चुके होंगे, उसके आने से पहले चाय पिताजी जरूर पी चुके होंगे, पक्का पी चुके होंगे, बिल्कुल पी चुके होंगे। सो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स जब आ जाए तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तुम्हारे नाश्ता करने तक बच्चा अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस ऐसे होता, बच्चा अपना गृह कार्य कर चुका होगा, तो हम सिंपल ही सेंटेंस को बनाते उसी के अकॉर्डिंग, द चाइल्ड विल हैव डन हिज होमवर्क टिल यू। अब नोटिस करो, ये दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरी जो क्लोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी, यू टेक ब्रेकफास्ट। सो यहां वर्ब फर्स्ट आई है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ SEIS लगाते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल के साथ वर्ब बेसिक फॉर्म लगाते हैं, बेस वर्ब लगाते हैं, बार वर्ब लगाते हैं, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आ रहा होगा। एक बात का ध्यान रखें, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटेशन जरूर तैयार करते रहें, क्योंकि आपकी नोटेशन ही आपके काम आती है। जब तक टीचर पढ़ाता रहता है, हमें ऐसा लगता है ये चीज़ हमें आती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ स्किप्ट हो जाता है। सो बेहतर होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू दैट यू विल मेक योर नोटेशन। सो प्लीज़ आप अपनी नोटेशन जरूर बनाते रहें। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य की। नकारात्मक मीन्स होता है किसी चीज़ को नकार देना, मना कर देना, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, एटसेट्रा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कुछ भी नहीं, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल आए तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विल या सेल आएगा। नोट, क्योंकि हम नेगेटिव को स्टडी कर रहे हैं तो नोट होगा, हैव होगा, वर्ब थर्ड जरूर होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और जो दूसरी क्लोज आपकी होगी वो भी सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर, सेम ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, और जैसा भी इसके साथ कंजक्शन, जैसा भी कनेक्टर आएगा वो वैसा ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। पेंटर के आने से पहले, एक क्लॉज ये हुई, पेंटर के आने से पहले और वे अपने घर की पुताई कर चुके होंगे। आप भी चाहे तो जब प्रैक्टिस करें तो इसके नीचे एक बार एक लाइन जरूर अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। सो वे अपने घर की पुताई, वे घर की पुताई कर चुके होंगे, दे विल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर चलते रहेंगे, दे सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, सॉरी इसमें नेगेटिव नहीं है, घर की पुताई नहीं, दे विल नॉट हैव वाइट वॉश्ड द हाउस बिफोर पेंटर के आने से, द पेंटर कम्स। तो नोटिस करेंगे आप, नेगेटिव में विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव हो जाएगा। अगर यही सेंटेंस हो जाए कि पेंटर के आने से पहले वे घर की पुताई अवश्य नहीं कर चुके होंगे, बिल्कुल भी नहीं कर चुके होंगे, सो आप लोग क्या करेंगे, दे शैल नॉट हैव वाइट वॉश्ड द हाउस बिफोर द पेंटर
कम्स। सो स्टूडेंट्स याद रहे, जब भी अवश्य बिल्कुल पक्का आए सो आप लोग सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को, जो कि कायदे में एक मॉडल वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती है, इसे आप चेंज करेंगे। सो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट चलते हैं एक और एग्जांपल के लिए। मेरे घर पहुंचने से पहले भारत मैच नहीं जीत चुकेगा। सो एक बार फिर से हम लोगों ने इसे अंडरलाइन करके अपनी जो क्लॉजेस हैं उसे क्लियर कर लिया। ये हमारी हो गई परफेक्ट जो क्लॉज है, और ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट क्लॉज हो गया। भारत मैच नहीं जीत चुका होगा। इंडिया विल नॉट हैव वॉन द मैच मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच होम। ध्यान रहे रीच के बाद टू नहीं लगाते। सो जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि आई को प्रेजेंट में प्लूरल की तरह ही काउंट किया जाता है, पास्ट में ये सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। जब भी किसी सेंटेंस में कोई इंक्वायरी, कोई पूछ रहा होगा, कोई क्वेरी कर रहा होगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। चलते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर की ओर। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश यहाँ आ जाएगी, अदरवाइज यस नो टाइप के यहाँ से शुरू होंगे। जैसे ये क्या, यस नो टाइप का हर वो सेंटेंस होता है जिसमें शुरू में क्या हिंदी में होता है और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होती है। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, और आंसर टाइप वो होते हैं जिनके हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं और सबसे पहले उसका इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, नहीं तो विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में आ जाएगा। नेगेटिव होगा तो नोट आ जाएगा, और हैव हो जाएगा, और उसके बाद हैव होगा, और उसके बाद वर्ब थर्ड जरूर आएगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जो सेकंड क्लोज होगी आपकी, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी उसका कनेक्टर है उसके साथ प्रेजेंट इनडेफिनेट लगेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लोजेस को क्लियर करेंगे। दूधिया घर आ चुका होगा और मेरे जागने से पहले। हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, जो मैं क्या शुरू में लग रहा है, ये क्या इस क्लोज के पहले नहीं है, ये यहां नहीं है स्टूडेंट्स, ये यहां है। कहां है ये, सेकंड क्लोज से जो हमारी जो परफेक्ट क्लोज है ये, उसमें क्या दूधिया घर आ चुका होगा, क्या दूधिया घर आ चुका होगा। सो ऐसे बनाएंगे हम इसे, और इस क्लोज को हम बाद में लेंगे। क्या दूधिया घर आ चुका होगा। सो विल द मिल्क मैन हैव कम होम बिफोर आई आई अ वॉक। ध्यान दे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट बना है। हमने चूंकि ये हमारा यस नो टाइप था, इसे हमने हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब से हम लोगों ने बनाया, सब्जेक्ट है वर्ब थर्ड एंड देन प्रेजेंट इंडेफिनेट। सो स्टूडेंट्स ये अगर सेंटेंस यही अवश्य, क्या मेरे जागने से पहले दूधिया अवश्य ही घर आ चुका होगा, सो हम इसमें विल की जगह सेल कर देते। सो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं। उसके आने से पहले गायक गाना क्यों नहीं गा चुका होगा। ये आपका हो गया आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू देना ही पड़ेगा। यहाँ तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड हमारा आया ही है इसी में। इस क्लोज को हम पहले ले लेंगे, गायक गाना क्यों नहीं गा चुका, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, विल सब्जेक्ट हमारा गायक है तो गायक के लिए विल आएगा। व्हाई विल द सिंगर, नेगेटिव ही है तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, नॉट संग द सॉन्ग, सिंग की थर्ड संग हो गई। सो ये क्लोज हमारी पूरी हो चुकी है। चलते हैं उसके आने से पहले, बिफोर
कम से मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना ना भूले। सो स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही आपको बनाने हैं, और ये भी ध्यान रखना है अगर इसमें किसी भी तरीके से सेकंड क्लोज आती है तो आप लोग हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट ही इस्तेमाल करें। सो स्टूडेंट्स सेंटेंस हमारा ऐसे भी हो सकता है, इसमें आप देखेंगे क्या वह अपना कार्य पहले ही पूरा कर चुका होगा। इसमें पहले ही आया जरूर है लेकिन क्लोज हमारे पास दो नहीं है, इसमें एक ही क्लोज है। ध्यान दीजिए इसमें केवल एक ही काम हुआ है, दूसरा ना सब्जेक्ट है हमारे पास ना ही हमारे पास इसकी वर्ब है। सो ऐसे स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस को ध्यान रखें और पहले ही के लिए ऑलरेडी एक वर्ड होता है। सो इसे बिल्कुल सिंपल वे में बनाएंगे हम, सीधा सीधा फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं बनाएंगे। सो कैसे बनाएंगे, विल ही हैव ऑलरेडी, क्योंकि ये आपका एडवर्ब हो गया, ऑलरेडी कंप्लीटेड कंप्लीटेड हिज वर्क। मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना ना भूले। सो हमने देखा बिल्कुल सिंपल वे में बनाया, इसमें कोई दूसरी क्लोज नहीं है भले ही पहले ही आया हो। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा डबल क्लोज जब मानी जाएगी जब दो काम के साथ दो सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक है काम एक है तो उसमें डबल क्लोज नहीं होगी भले ही ऐसे दिखने वाले शब्द आ जाए। सो स्टूडेंट्स जरूर ध्यान रहे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से नोटेशन बनाएं, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटेशन जरूर बनाएं। आई होप आप लोगों की जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार।